हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। स्वागत है आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज आपके लेके आए हैं रियलमी के एक लेटेस्ट लॉन्च मॉडल जो कि है रियलमी 3i, जिसकी हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है इसका देखने को मिल जाता है। क्या ये अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस में सबसे अच्छा फोन हो सकता है या फिर जो है नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो आपको जो है बॉक्स कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देता है, जहां पर फ्रंट में लिखा हुआ है 3i और नीचे की तरफ लिखा हुआ है Realme। देखते हैं बॉक्स के राइट और लेफ्ट साइड में। तो बॉक्स के लेफ्ट साइड में मेंशन है Realme 3i, अप साइड में जो है Realme R लिखा हुआ है जो कि है Realme का लोगो और Realme 3i, और यहां पर जो है कुछ भी मेंशन नहीं है। तो कर देते हैं जल्दी से फोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि फोन का परफॉर्मेंस आपको जो है कैसा दिखाई देता है। बॉक्स को अनबॉक्स करते सबसे पहले मिलता है हमें एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर अवेलेबल होगा डेफिनेटली एक कवर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है एक ट्रांसपेरेंट केस और साथ में अवेलेबल है यूजर मैनुअल गाइड। उसी के नीचे अवेलेबल है हमारे पास एक रियलमी का 3i। देखते हैं इसका फोन का परफॉर्मेंस आपको जो है कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर ये है हमारे पास रियलमी 3i। देखते हैं बैक साइड में कैसा डिजाइन है। तो ये आपको जो है कुछ इस तरीके का डिजाइन जो है देखने को मिलता है। रखता हूँ इसको एक बार साइड में, देखते हैं कि इसका कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इस बॉक्स में जो है क्या क्या कंटेंट और अवेलेबल है। बॉक्स में आपको मिल जाता है यहाँ पर अडेप्टर, जहां पर हम आउटपुट की बात करते हैं तो वो है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का, और साथ में आपको मिल जाती है यहाँ पर एक माइक्रो यूएसबी केबल। बॉक्स में आपको जो है ये कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं फोन का फिजिकल ओवरव्यू। ये है फोन का फ्रंट साइड, जहां पर आपको मिलता है 6.22 इंच का डिस्प्ले जो की है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। देखते हैं फोन के बैक साइड में, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको जो है दिखाई देता है, जो की हम ऑलरेडी रियलमी के पहले फोन में देख चुके हैं। डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के बैक साइड में, और रियलमी की जो है ब्रांडिंग है। देखते हैं फोन के लेफ्ट साइड में, तो आपको मिल जाती है यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन के साथ मिल जाती है सिम स्लॉट, जिसमें आप जो है दो सिम कार्ड के साथ में एक मेमोरी कार्ड भी जो है लगा सकते हैं। देखते हैं फोन के ऊपर की साइड में, तो कोई भी की कोई भी स्लॉट आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। देखते हैं फोन के राइट साइड में, आपको मिलता है यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की, और देखते हैं फोन के नीचे साइड मिलता है यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट और स्पीकर एंड माइक्रोफोन आपको जो है देखने को मिल जाता है 3.5 mm जैक। तो कर देता हूँ इस फोन को जल्दी से स्टार्ट, देखते हैं कि फोन का परफॉर्मेंस आपको जो है कैसा दिखाई देने वाला है। तो ये हो गया है फोन स्टार्ट, जहां पर हम देख सकते हैं ये है फोन का यूआई आपको जो है कुछ इस तरीके के जो है देखने को मिल जाता है, जो कि काम करता है कलर ओएस के साथ में। यहां पर चलते हैं फोन की सेटिंग में, अबाउट फोन की तरफ देखते हैं कि यहां पर जो है कैसा परफॉर्मेंस, कौन सा चिपसेट वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाता है, कितना स्टोरेज आपको फ्री जो है देखने को मिल जाता है। तो हम आ गए हैं अबाउट फोन की तरफ। अबाउट फोन आपको मिलता है यहां पर कलर ओएस वर्जन जो कि है 6.0, एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलता है 9, मतलब पैक आपको जो है प्रीलोडेड वर्जन देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर है ऑक्टा कोर, 4GB की रैम, मतलब यहां पर आपको जो है डिफरेंट वेरिएंट आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 4GB रैम के साथ में। डिवाइस स्टोरेज है जो कि है 64GB, और यहां पर जो है कुछ इस तरीके का आपको जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि हमें सभी रियलमी के फोन में देखने को मिलता ही है। चलते हैं फोन के डिस्प्ले की तरफ, देखते हैं कि डिस्प्ले का परफॉर्मेंस आपको जो है कैसा दिखाई देता है, जो कि है 6.22 इंच का डिस्प्ले। करता हूं उसमें एक वीडियो प्ले। तो हमने देखा है यहाँ पर इस प्राइस सेगमेंट में जो है डिस्प्ले का परफॉर्मेंस है काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। मतलब है रियलमी ने तो कमाल ही कर दिया अपने चिपसेट परफॉर्मेंस के साथ में। यहाँ पर ऑल ओवर परफॉर्मेंस, मतलब ऑल ओवर डिवाइस भी जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बात करते हैं, चलते हैं फोन के कैमरे की तरफ, जहां पर यूज किया गया है ड्यूअल कैमरा रियर वाला सेटअप, जहां पर है 13MP प्लस 2MP का जो है ड्यूअल रियर कैमरा। फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 13MP का। तो करता हूं कुछ इमेजेस फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है कैमरे का देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर कैप्चर कर ली है कुछ इमेजेस फ्रंट और रियर कैमरे दोनों से ही। ये वाली इमेज जो है कैप्चर की गई है रियर कैमरे से, देख सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाता है इस फोन के रियर कैमरे का। और ये वाली इमेज जो है कैप्चर की गई है डेप्थ सेंसिंग को कवर करते हुए। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है डेप्थ सेंसिंग का परफॉर्मेंस जो है एवरेज देखने को मिल जाता है। देखते हैं ये वाली इमेज है यहाँ पर मेन कैमरे से कैप्चर की गई, और ये वाली है डेप्थ सेंसिंग को कवर करते हुए। तो कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ में। ये है 13MP के साथ में, और अगेन वही है
टैप सेंसर को कवर करते हुए। ये है फ्रंट कैमरा इमेजेस जो कि है यहाँ पर ब्यूटी मोड के साथ में, और ये है नेचुरल इमेज। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो और इसके अलावा ये है स्मूथनेस के साथ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली है नॉर्मल इमेज जो कि है स्मूथनेस के साथ में, और ये वाली है पोर्ट्रेट मोड के साथ में। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी कि मेरी जो फिंगर है वो हो गई है यहाँ पर ब्लर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फेस को हाईलाइट करता है और जो बॉडी का दूसरे पार्ट है वो सबको जो है ब्लर कर देता है। कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड के साथ में। अब चलते हैं फोन के सिक्योरिटी की तरफ, जहां पर यूज किया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। करता हूं रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों ही, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो हमने कर लिया है इस फोन में सिक्योरिटी में दोनों को ही रजिस्टर्ड, जहां पर है फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। करता हूं टैप फिंगरप्रिंट की तरफ और ये फोन अनलॉक हो गया है। देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस, कितना फास्ट आपको जो है देखने को मिल जाता है इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर का। हम ये बोलना चाहेंगे यहाँ पे कोई हमें इशू देखने को नहीं मिला, जो कि हम बहुत सारे ऑलरेडी रियलमी के फोन में देख चुके हैं कि आपको फास्ट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। देखते हैं हम फोन के फेस अनलॉक की तरफ। तो यहाँ पर जो है फिंगर को लाता हूँ मैं आगे, और ये फिंगर को आगे लेके आ गया मैं और लाता हूँ फेस के सामने, और ये देखो अनलॉक हो गया। मतलब यार डिस्प्ले ऑन होने से पहले ही इसका फोन जो है अनलॉक हो जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है यार हमारे लिए, जो है काफी अच्छी बात है। ये सिक्योरिटी में इतना इम्प्रूव्ड हमें मिल रहा है रियलमी की तरफ से। तो ये थे रियलमी 3i की अनबॉक्सिंग और छोटा सा क्विक रिव्यू। बताना कि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। पर ये थी रियलमी 3i की अनबॉक्सिंग। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है यार ये बेस्ट फोन है या फिर जो है नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, आपको मिलेगा इस वीडियो के लाल कलर का बटन जो कि सब्सक्राइब का दबा के साथ में जो है बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।